तुसी देख रहे हो डी फाइव चैनल पंजाबी ते मैं बलविंदर बिट्टू। अज कौमी इंसाफ मोर्चे दे वल्लों बापू सूर सिंह नूं जदों व्हीलचेयर ते बिठा के हस्पताल चों बाहर ले जाया जा रहा सी तां पुलिस ने कौमी इंसाफ मोर्चे दे आगुआं नूं इक वड्डा घेरा पा लिया। तो दूजे पासे पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू इस मौके ते पहुंचे ते उन्होंने स्थिति ते काबू पाउण दी कोशिश कीती। इस तों बाद उत्थे स्थिति तनावपूर्ण बन गई। डीएमसी हस्पताल विच माहौल गरमा गया। एक पासे चंडीगढ़ विच कौमी इंसाफ मोर्चे दे आगू सरकार नाल गलबात कर रहे सन। उसे मौके दूजे धड़े ने लुधियाने विच बापू सूरत सिंह नूं लैके हंगामा कर दिता। यह बापू सूरत सिंह नूं कौमी इंसाफ मोर्चे विच लैके जाना चाहुंदे सन। जदों असी कौमी इंसाफ मोर्चे दे आगू बलविंदर सिंह नाल गलबात कीती तां उन्होंने लुधियाने विच होई घटना नूं निंदिया। आओ सुणदे हां पत्रकार आशीष नाल होई गलबात। लुधियाना च डीएमसी दे कमरे दे बाहर जो घटना हुई है, बलविंदर जी उस बारे तुहाडा की कहना है? देखो जिहड़ी लुधियाने घटना हुई है उहदे नाल कौमी इंसाफ मोर्चे का कोई संबंध नहीं है। जिस मैंबर ने यह कार्रवाई की हैगी है उत्थे आपखुदरी कार्रवाई, क्योंकि अज तालमेल कमेटी की मीटिंग सी, उस वेले सानू सरकार ने गलबात करने लिए बुलाया। तो तालमेल कमेटी नू ये जानकारी दे के कि असी मिनिस्टर नाल गलबात करन चले हाँ, तो चार मैंबर उत्थों मोर्चे दे उत्तों गए जी। जिदे विच एडवोकेट अमर सिंह चाल, एडवोकेट दिलशेर सिंह, सुरापाल सिंह फ्रांस ते बलविंदर सिंह मैं जी। ते असी उत्थे सरकार नाल गलबात कीती, बहुत सुखावे माहौल दे विच गलबात हुई। बापू जी दे इशू दे उत्ते भी सरकार नाल गलबात हुई, तां सरकार ने कहा कि असी उन्हां नूं रिहा कर देंगे जी। बावजूद इसके गुरदीप सिंह बठिंडा होरां ने अपनी पद्धर दे उत्ते जिहड़ा मतलब उत्थे एक कार्रवाई कीती है उहदे संबंधी इत्थे शाम नूं फिर दुबारा मीटिंग तालमेल कमेटी दे जिन्ने मैंबर मोर्चे ते सीगी उन्होंने कीती है, और यह फैसला किया है कि उन्होंने अजिहा क्यों किया, इहदे लई उन्हां नूं नोटिस जारी किया जाएगा। जे जवाब तसली बख्श ना होया तां उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की। जिवें सर कह रहे हैं कि उसते पक्का मोर्चा लगेगा, उस बारे तुहाडा की कहना है? देखो पक्का मोर्चा जे बापू होरां नूं रिहा नहीं करदी सरकार ते फिर तां लगेगा जी। ते जे मतलब सरकार मतलब जिहड़े मानयोग मंत्री हैगे आ और प्रशासन आ उहनां नाल गलबात कीती है, देखो भावें कुछ भी होवे सरकार नाल भावें जबानी ही सहमति बनी आ, उहनां ने कहा भी असीं रिहा करांगे, ते फिर पक्के मोर्चे दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा जी। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दस्सांगे कौन कर रहा है तुहाडे ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, डी फाइव चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब डी फाइव चैनल हिंदी भी होगा सर, डी फाइव चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा, ते तुसी वेख रहे हो डी फाइव चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच। डी फाइव चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो,